वेलकम बैक टू माई चैनल जे सुपर कौर। दोस्तों आज का वीडियो भी मच अवेटेड एंड रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो मैंने आपको रोज़ वाटर सिखाया था उसके जो रोज़ पेटल्स, जो गुलाब की उसकी पत्तियां, पंखुड़ियां बच जाती हैं उसका क्या इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर बता देना चाहूंगी कि ये जो आज मैं दो चीज़ें, इसके दो फायदे या दो इस्तेमाल बताने जा रही हूँ, उससे एक तो चेहरे के दाग धब्बे जो हैं, जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, जो छोटे छोटे पिंपल्स के निशान रह जाते हैं, आप लोग मुझसे अलग से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, ये उसी का मैं एक नुस्खा बता रही हूँ। दूसरा, जो हमारे लिप्स बहुत डार्क हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, या लिप्स के आसपास वाला एरिया, अपर लिप्स वाला आसपास वाला एरिया पे झाइयाँ या कालापन आ जाता है, उसके लिए ना सिर्फ ये उस त्वचा को क्लियर करेगा, साथ में एक पिंक गुलाबी निखार भी देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें मैं बताऊंगी, पहला होगा रोज़ स्क्रब एंड दूसरा होगा रोज़ फेस पैक। दोनों ही हमारे चेहरे के लिए बहुत वाइटनिंग, आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे भी यूज़ कर सकते हो एंड लिप्स पे तो यूज़ कर ही सकते हो। तो ये जो मेरे रोज़ पेटल्स उस दिन पंखुड़ियाँ बच गई थी, ये मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट नहीं हुई है, इनका थोड़ा सा कलर रह गया। अगर वाइट हो गए हैं तो आप यूज़ ना करें, थोड़ी सी वो पंखुड़ियाँ बचनी चाहिए। उसमें थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें थोड़ा पानी था, उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाया क्योंकि हम इसे एक्सफोलिएशन और स्क्रबिंग का काम भी करेंगे। तो ये मैं वैसे क्या करती हूँ, मैं इसको पीस कर डब्बे में फ्रीज़र में भर के रख देती हूँ, या आराम से महीना मेरा चल जाता है। तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप रोज़ फ्रेश नहीं ख़रीदना चाहते हैं, एंड इट इज़ एक्सेलेंट आपके बालों के लिए, आपके फेस के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। तो आप भी अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज़ करेगा, तो ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन सब स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने 2 चम्मच इसमें रोज़ पेटल्स जो पिसी हुई हैं ले लूँगी, और इसमें मैं थोड़ी सी महीन शुगर, महीन ज़्यादा महीन ना हो, ग्रैनुलेटेड होनी चाहिए, वो शुगर ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा स्क्रब तैयार हो जाएगा। इसको, शुगर को आप पहले से डाल के पैक को बनाकर ना रखें, आप ये रोज़ पेटल्स पीस के रख लें, जब भी आपको स्क्रबिंग करनी हो तब आप उसी वक्त चीनी डालिए, नहीं तो चीनी जो है इसमें घुल जाएगी और एक्सफोलिएशन का काम हमारा स्क्रबिंग का होगा ही नहीं। तो ये आप लिप्स पे, फेस पे भी हल्का हल्का, भी मैंने थोड़ा बॉडी पॉलिशिंग का वीडियो भी शेयर किया था, आप बॉडी पॉलिशिंग में भी ये रोज़ पेटल्स का पिसा हुआ डाल सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग काम करेगा। तो ये मेरा लिप स्क्रब तैयार है, लिप स्क्रब, बॉडी स्क्रब, फेस स्क्रब। नेक्स्ट मैं फेस पैक बनाने जा रही हूँ। दोस्तों कच्चा दूध मैंने लिया है, कच्चे दूध में मैं बता चुकी हूँ हेल्थ बेनिफिट, स्किन बेनिफिट सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इस फेस पैक में मैं बेसन या मुल्तानी मिट्टी नहीं यूज़ कर रही क्योंकि सर्दियों में हमारी जो त्वचा होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन के लिए बेसन और मुल्तानी मिट्टी वो बिल्कुल स्किन को सुखा देती है, इसलिए प्लीज़ आप चावल का आटा यूज़ करें। चावल का आटा हमारे स्किन को लाइटनिंग और वाइटनिंग, गोरा निखार तो लाता ही है, साथ में रोज़ पेटल्स के साथ मिक्स होकर गुलाबी निखार लाएगा, तो इससे दाग धब्बे भी जाएंगे और आपके स्किन में बहुत अच्छा ब्राइटनिंग ग्लो आएगा। तो ये मेरा फेस पैक तैयार है, 10 से 15 मिनट के लिए फेस पे लगाएं, उसके बाद चेहरे को धो दें। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे बहुत मिस करना, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूँगी। आई लव यू ऑल।